तो क्या हाल है दोस्तों, आप तुम्हें ये दिख रहा होगा कुछ कुछ पड़ा है यहाँ पे और हाथ में स्क्रू ड्राइवर भी है। इसका बताते हैं, पहले ये बता दूं मैं वीडियो में ऐसे प्लेसमेंट वाली जानकारी नहीं है, व्लॉग ही है। तो व्लॉग में तुम्हें पता है क्या करना होता है, शुरू करते हैं पहले वीडियो को फिर बात करते हैं। तो ये बेड क्यों खोल रखा है मैंने, इसलिए क्योंकि ये टूट गया था कल, यहाँ पर पार्टी चल रही थी और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो सपोर्ट है और ये सपोर्ट ये मैंने अलग से लगाए हैं क्योंकि ये बेड यहाँ से पूरा नीचे टूट चुका है मतलब हो गया है काम इसका। तुम्हें ये दिख रहा होगा ये भी अलग से निकल गया, तो नया बेड खरीदना पड़ेगा, गद्दा यहाँ डाल दिया है। तो थोड़ा सा गलत सीन हो गया है। अब ये मत पूछना बेड कैसे टूट गया और ये सारे तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे, ये सब नहीं था। या तो नया बेड खरीदने जा रहे हैं आज, देखते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं, शायद दिखा दूं तुम्हें, नहीं तो सीधा नया बेड दिखा दूंगा। Two thousand years later. एक सेकेंड, ये तो उतार दे, फाइनली घर पहुंच गया हूँ। बहुत सारा सामान ले आया हूँ, बैग में भी यह दिख रहा होगा तुम्हें इतना मोटा सा, और दो चार दिन से और भी बहुत सारे डिब्बे पड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, ये सारे डिब्बे हैं, ये है बैग में भी क्या है, बैग में क्या है देखते हैं। रुको, दुनिया भर की शॉपिंग कर ली है मैंने, बैग में तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, बैग में तुम्हें दिख रहा होगा एप्पल का लोगो। तो इन सबको आज की वीडियो में दिखाएंगे, क्यों खरीदा, क्या खरीदा, इतना सारा क्या खरीद रखा है, सब कुछ अनबॉक्स कर देंगे और एक कहानी भी तुम्हें जो टाइटल में तुमने पढ़ ली होगी वो कहानी भी बताएंगे, उसके लिए क्या क्या खरीदा। तो मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ अभी, हम पसीने हो रहे हैं, जापान में भी ह्यूमिडिटी होती है। मिलते हैं, चलो इतने तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ तुम्हें फ्रेश होके। ये शावर ले लिया है, अरे आई थिंक गलत ट्रांजिशन ले गया, रुक जाओ दोबारा कर, मैं मिलता हूँ तुम्हें फ्रेश होके। ये तो फ्रेश हो गया हूँ मैं, शावर ले लिया है, अब शुरू करते हैं। कौन से आइटम से शुरू करें, सबसे पहले अमेजोन के डिब्बे उठा लेते हैं। रुक, तो ये हैं दो अमेजोन के डिब्बे, इन्हें ही खोलते हैं, बड़ा वाला खोलते हैं सबसे पहले। कुछ काटने के लिए चाहिए हमें, काटने की चीजें बहुत जरूरी हैं, मच्छर नहीं मतलब ये बॉक्स काटने के लिए। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं दो सेकंड दो, परफेक्ट हथियार ले आए हम, सबसे बड़ा चाकू जो मिल सकता था ना वही लेके आया मैं। थोड़ा सा कैमरा एंगल घुमा देते हैं, ये खुलेगा यहाँ से। ये ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने बॉक्स पहले ही खोल दिया है यहाँ पे, वैसे जापान में होती तो नहीं है ऐसी चीजें। अरे तो इसमें ये है, क्या है इसमें मैं बताता हूँ, एक तो बबल रैप या हवा भरने की जगह, ये क्या करते हैं ऐसे डिब्बे से लगा के वैक्यूम कर देते हैं। इसको भी खोलना पड़ेगा, बड़ा चाकू किस दिन काम आएगा, आएगा एक दिन और काम आएगा, ये दीपक को बच के रहना चाहिए। बोल कैसा रूममेट हूँ मैं भैया जी, बहुत ही बढ़िया रूममेट है आप देख रहे हो, रबर बैंड भी लगा रखी है। ये है लैपटॉप का केस नहीं सॉरी लैपटॉप का स्टैंड, तो लैपटॉप को थोड़ा उठाने के लिए अभी दिखाऊंगा सब कुछ। और ये एक डेस्क मैट है ऐसी सी, इसको भी दिखाएंगे, बड़ा सुंदर कलर निकाल के लाया हूँ मैं। अब खोलते हैं पतला वाला अमेजोन का डिब्बा, इसमें देखते हैं क्या है। वैसे मेरे को तो पता ही है मैं क्या नाटक कर रहा हूँ, अलग अलग दिन डिलीवर हुए थे क्योंकि ये डिब्बे। तो इसमें है हमारा नया शानदार, ये तो ब्लैक ही है, ब्लैक मेड इन चाइना है, हेलो लिखा हुआ है, चलो हम भी हेलो बोल देते हैं। हैविट कंपनी का है, तो अगर किसी को पता है हैविट कंपनी तो वो समझ गया होगा क्या है। इसको भी खोलते हैं, इसमें हमारा बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी लाइट निकलने वाली एक चीज़ है। डिब्बे को रखते हैं रिसाइकल के लिए, और तुम कहोगे ये बड़े डिब्बे में क्या है, जो बड़े वाले डिब्बे हैं, तो इसमें है मेरा नया बेड। अब तुम सोचोगे, ऑब्वियसली सोचोगे कि दो बेड क्या करेंगे, एक ये बेड है तो इतना मस्त सा लग रहा है जो, मतलब फिर क्यों चाहिए दूसरा बेड। तो इसका मैं रीज़न बताने से पहले, तुम्हें स्टोरी सुनाने से पहले दिखा देता हूँ ये बेड कैसे टिका हुआ है। तो तुमने देखा बेसिकली इसको मैंने सपोर्ट पे टिका रखा है, ये बीच में से टूट गया था। अब ये भैया जी ऐसे ऐसे काम करते हैं ना मेरे बेड पे, मैं क्या बताऊँ, तुम बेड तो टूटना ही था। अरे ओ भाई उमंग, क्या बेइज्जती कर रहा है, मैं मारूंगा मैं एक दो, ये क्या बेइज्जती कर रहा भैया जी की, और बहुत मतलब किस लोगों की बेइज्जती क्यों कर रहा है तू, भाई बेड टूटा तो टूटा तेरा, बेइज्जती ना कर, नहीं तो मैं बता रहा हूँ तेरा चैनल वगैरह बंद करा दूंगा। और बाकी स्टोरी बता देने क्यों टूटा, जो दूसरी मैंने बताई थी कि सबको जो बतानी है वो वाली स्टोरी सुना दे,
जिससे इन्हें भी लगे कि हाँ कुछ गलत काम नहीं हो रहा था, चलो ये उमंग से सुनो। हाँ तो हम रियल स्टोरी बताएंगे। अब रियल स्टोरी क्या थी के हमने फ्राइडे को करी पार्टी। पार्टी में ये आईकिया का बेसिकली सबसे सेकंड चीपेस्ट बेड है, तुम्हें मैं फोटो दिखा देता हूँ, ऐसा दिखता है ये। 5,000 yen का था शायद, 5,000 प्लस इसके वो जो फट्टे होते हैं ना वो अलग से खरीदने पड़ते हैं, तो 9,000 का था ये। एंड इस पे बैठ गए 4 लोग, भारी भरकम। तुम्हारा संदीप, तुम्हें पता ही है कैसे मोटा सा हो रखा है, जिम जा रहा है लेकिन फिर भी मोटा तो है। गौरव वो भी हेल्दी नहीं है, वो तो भाई फिट है। और मनीष, उसने जिम मेरे साथ ज्वाइन किया था बट आई थिंक गया नहीं है किसी भी दिन। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, यस तुम्हें भी बता रहा हूँ मैं, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, करो तुम जो भी हेल्थ के लिए करना है। लेकिन और अगला चैलेंज ये, हम कितने दिन आते हैं यहाँ पर और कितना घंटा एक्सरसाइज करते हैं, मेंबरशिप तो ले लिया है। तो वो 3 बैठे यहाँ पे और चौथा मैं बैठा, जैसे ही बीच में से ये बैठ गया धट ऐसे, तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, तुम्हें फोटो दिख रही होंगी। अभी जब ये मैं बेड खोलूंगा ना वो वाली वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा कि ये कैसे टूटा था। तो थोड़ा खतरनाक सीन हो गया था बट फिर मेरे को सोना था तो ये सपोर्ट वपोर्ट लगा के हमने अपनी पूरी इंजीनियरिंग, पूरा बिग ब्रेन लगा के इस बेड को ठीक कर दिया। अब इस बेड का मैं बनाते हुए का टाइम लैप्स डाल देता हूँ यहाँ पे, या अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं अभी थोड़ी सी, और ये सामान की अनबॉक्सिंग भी कर देते हैं। पहले सामान की कर देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, तुम्हें मज़ा आएगा, फिर बेड की करते हैं। चलो, अरे बचा लिया भाई उमंग तूने, नहीं तो ये सबको पता चल जाता वो थोड़ा दूसरे वाले से, तो अच्छा किया उमंग तूने सही बताया। चल, और सबसे इंपॉर्टेंट डिब्बा तो रही गया जिस जो मैंने तुम्हें बैग के अंदर दिखाया था, बेसिकली एप्पल का। गेस करो ये क्या है, मतलब ये डिब्बा देख के तुम्हें लग रहा होगा आईपैड हो सकता है या मैकबुक हो सकता है, तो ये है तुम्हारा क्या है, मैकबुक प्रो। हमारा मैकबुक प्रो वापस आ गया है काम करने के लिए ही आएगा। रुक जा, इसको खोलता हूँ मैं, दिखा देता हूँ तुम्हें। मैकबुक दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक तो ये डिब्बा इतना सुंदर बनाते हैं ये लोग। ये रहा हमारा मैकबुक, सेम ही वर्जन वाला है जो वर्जन वो था। साउंड सुन रहे हो तुम कितनी बढ़िया है, तो यही साउंड के ही पैसे होते हैं इसमें। तो मैकबुक भी दिखाते हैं, अभी पहले बाकी डिब्बे खोल लेते हैं, इसको ऑन होने देते हैं। तो थोड़ा कचरा क्लियर कर देता हूँ मैं, तो क्लियर हो गया बिल्कुल। सबसे पहले पहली चीज़ निकालते हैं, ये है लैपटॉप वाला जो स्टैंड था। रबर बैंड क्यों लगा रखी है उन्होंने इसमें सारे, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। चाकू कहाँ गया हमारा, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत चीज़ें काटी जा सकती हैं और बहुत शार्प है ये। मेरा हाथ कई बार कट चुका है इससे, हाथ नहीं मतलब उंगली कट चुकी है कई बार इससे। वाह भाई, कवर भी है अपना और काफ़ी मोटा है ये, मतलब ऐसे पतला सा कपड़ा नहीं है, काफ़ी मोटा सा कपड़ा है। तो इसके साथ कैमरा स्टिकर आया, बेसिकली लैपटॉप के कैमरे पे लगा दो तो इसमें एक लीवर सा आया, तो इसको बंद खोल कर सकते हो। और ये है तुम्हारा स्टैंड, कैसे चलता है ये, हाँ तो इसको ऐसे लगा के इस पर अपना लैपटॉप रख दो। कैसे रख दो वो भी दिखा देता हूँ मैं, अब लैपटॉप है तो दिखा ही सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके लैपटॉप रख दो एंड काफ़ी मतलब अर्गोनॉमिक हो जाते हैं और तुम्हारी बैक स्ट्रेट रहती है क्योंकि तुम नीचे झुक के नहीं देख रहे होते। अभी मैं बहुत ज़्यादा झुक गया हूँ, ज़िंदगी में इतना नहीं झुकना चाहिए, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ज्ञान है ये, भैया जी वाला भी ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान है, ज़िंदगी में इतना मत झुक जाना कभी। तो मजाक की बात में, तो ये हो गया हमारा स्टैंड एंड इसमें काफ़ी सारे लेवल्स ऑफ ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे समझते हो ना तुम, ऊपर नीचे ये वाला नहीं, इसमें ऊपर नीचे वाली चीज़ें हैं। फिर ये है तुम्हारा मैट, इसको कैसे खोला जाए, चाकू आएगा काम, चाकू से कुछ भी खोल सकते हो तुम, बहुत ही कुछ खोल सकते हो, क्या क्या खोल सकते हो ना इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम, इतनी चीज़ें खुल जाती हैं इससे। फाइन क्वालिटी लिखा हुआ है, उल्टा क्यों दिखा रहा हूँ मैं। तो ये है हमारी मैट, देखते हैं कितनी बढ़िया है, पहले खुलेगी कैसे। तो ये 2 कलर में है, डबल कलर वाली मैट ली है कि कभी कलर बदलने का मन करे तो क्या करेंगे, वो वाला सीन सब सॉर्टेड रखा है हमने। ऑल द मेरे को ब्लू ज़्यादा पसंद है तो मैं अभी ब्लू को नीचे रखने की कोशिश करता हूँ। एंड ये कुछ ट्रैप्स ही आई है, आई थिंक ये केबल मैनेजमेंट में काम आएगी, बेल्ट पहना सकते हैं किसी को, इतना छोटा इंसान तो नहीं है कोई। पहले इसको थोड़ा सा, तो जो इसमें बल्जेज है ना ये ठीक हो जाएंगे अपने आप थोड़े दिन में, क्योंकि फोल्डेड आया था तो ऑब्वियसली थोड़े इनिशियली बल्जेज रहते ही हैं। सो आई थिंक अब सही है, ये मैट भी लग चुकी है। अब खुलने का नंबर आ गया है हमारे ब्लैक बॉक्स का, ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, ये है हैविट का कीबोर्ड। एक कीबोर्ड क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हम कोडिंग करते हैं
करते हैं कोडिंग, मतलब झूठ नहीं कह रहा मैं, करते हैं हम कोडिंग। चल झूठ। एक चीज़ मेरे को मतलब इसमें ऑब्वियसली मैकेनिकल कीबोर्ड तो लेना ही था, बट मैं चाह रहा था कि टाइप सी अगर केबल चेंजेबल या निकलने वाली होती तो उसको और सुंदर बना सकते, बट कोई नहीं, हर चीज़ नहीं मिलती ज़िंदगी में। ये हमारा कीबोर्ड हो गया। इसमें लाइट बहुत बढ़िया जलती है, लाइट दिखाने के लिए मुझे ये खोलना पड़ेगा। ब्रेडेड केबल है, बहुत बढ़िया सी, इसमें कोई केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें दिख रहा होगा ये लाइटें जल रही हैं इसमें बड़ी सुंदर सी, तो इसी के लिए लिया है, मतलब सुंदर दिखनी चाहिए चीज़ें। और आवाज़ देख रहे हो क्या बढ़िया है। ऑब्वियसली मैकेनिकल कीबोर्ड का बेस्ट कीबोर्ड नहीं है ये, सबसे चीपेस्ट वाला होगा, बट मेरे को सुंदर चाहिए था एंड ये सुंदर है, तो वो काम पूरा हो रहा है। एक चीज़ की अनबॉक्सिंग और रह गई थी, वो कर लेते हैं। ये है जो मैंने टाइप सी हब मंगाया है, तो ये है टाइप सी हब। इसका काम क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे मैक में बहुत सारे कम पोर्ट्स होते हैं। अब कम पोर्ट्स को बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि एक ऐसा टाइप सी हब खरीद लो, और जो ओरिजिनल आता है एप्पल का वो आई थिंक उसमें सिर्फ एक HDMI और दो USB होते हैं। इसमें दुनिया भर के पोर्ट हैं, तुम्हारा ईथरनेट वाला भी है, VGA भी, अगर तुम्हारे पास बहुत ही पुराना मॉनिटर हो, HDMI और टाइप सी और ये, और तीन USB और एक HD कार्ड, तो मतलब बहुत सारे पोर्ट। मैं क्या काम करने वाला हूँ इसका, बेसिकली माउस और कीबोर्ड को और मॉनिटर को एक ही में लगा के सारे लैपटॉप में यही स्विच कर दूंगा, तो बहुत आसान हो जाएगा काम, तो इसी के लिए लिया है। अब करते हैं आगे। तो इतनी ही है आई थिंक चीज़ें जो छोटे बॉक्स वाली थी। अब मैं बेड को अपना लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को सोना भी होता है, तुम्हें पता ही होगा इंसानों को सोना होता है, तो सोने की ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, बेड खोलते हैं और बेड को सेटअप करते हैं, उसका देखो तुम टाइम लैप्स। तो फाइनली बेड बनके तैयार हो गया, दिखाता हूं तुम्हें। इसके तो पूरे मस्त शॉट आने चाहिए थे। अब इसमें फायदा क्या है ना, इसमें ये तीसरा सपोर्ट है, ये बहुत जरूरी है। ये तीसरा सपोर्ट है ना, ये बचाएगा इस बेड को, और पुराने बेड की हालत तुम देख सकते हो, ये टूट गया था जो तुम्हें पार्ट दिख रहा होगा, तो ये डिज़ाइन फॉल्ट आई थिंक, और यहाँ से ये चिप हो गया था, तो बेसिकली इसी पे गद्दा जो मैट्रेस होती है वो रुकी होती है, और वही पार्ट टूट गया, तो ऑब्वियसली मैट्रेस गिरी जाएगी। अब इसको ठीक करा सकते थे, बट IKEA वापस ले रहा है, रिटर्न के पैसे दे रहा है, तो ठीक है। और ये मैक पड़ा है टेबल का, तुम देख सकते हो काफ़ी मैंने सुंदर कर दिया है। अब नितोरी से मैं एक फेक प्लांट लेके आया था, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को, तो ये मेरा माइक है। तो सेटअप टूर की एक दो फोटो देख लो तुम, जो मैंने भेजी है अपनी ऑफिस में, कि देखो मैंने क्या कर लिया है। और ये कीबोर्ड भाई बहुत ही तगड़ा है, ये देख रहे हो तुम, रंग बिरंगी लाइटें, और सबसे मस्त चीज़ है कि इसके साइड में से भी लाइट आ रही है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो मैट ली थी, सारी अनबॉक्सिंग दिखा दी है हमने, अनबॉक्सिंग वीडियो ही बन गई है, मतलब मैं बनाना कुछ और चाह रहा था, बन कुछ और गया, लेकिन तुम्हें स्टोरी पता चल गई, स्टोरी मैंने बता दी है मेरे को लगता है, नहीं तो दोबारा से बता देता हूँ। हम कर रहे थे पार्टी, और पार्टी में क्या हुआ, चार लोग बैठे इस बेड पे और ये बेड गया बीच में से टूट। पार्टी कंटिन्यू रही, पार्टी ख़राब नहीं हुई, तुम पार्टी की टेंशन मत लो, पार्टी ख़राब नहीं हुई थी, हमने पार्टी कंटिन्यू करी, इस बेड के नीचे सपोर्ट लगा दिए थे, तो उस सपोर्ट के बाद मस्त चला बेड 3-4 दिन, और नया बेड आके मैंने लगा लिया, वो तुम देख ही चुके हो। और बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, गाना सुना देंगे तुम्हें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को बोलना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए मेरे को बोलना, और इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, काफी सारी स्टोरी डालता रहता हूँ मैं,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गेट सेज एंड The world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.